नमस्कार। राजस्थान के अंदर इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं का भविष्य तय करेगा। राहुल कस्वा जैसे नेता, जिस कस्वा परिवार ने पिछले कई दशकों से बीजेपी में रहकर राजनीति की, वो इस बार चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में गए। अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनका सियासी भविष्य खत्म हो सकता है, और चुनाव जीतते हैं तो वो कईयों का सियासी भविष्य खत्म कर सकते हैं। ऐसे बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से हटकर भी कुछ नेता है। ये चुनाव परिणाम उनका भविष्य भी तय करेगा और उनके क्षेत्र के दूसरे नेताओं का भविष्य भी तय करेगा। अगर ये तीन नेता चुनाव जीते तो उनके क्षेत्र में दूसरे नेताओं का सियासी भविष्य खतरे में भी हो सकता है, और अगर ये हारे तो फिर इनका सियासी भविष्य भी खतरे में हो सकता है। इन नेताओं में पहला नाम है दक्षिणी राजस्थान से राजकुमार रोत, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी, जो चुनावों से ठीक पहले वजूद में आई थी, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, भारतीय आदिवासी पार्टी का जन्म होता है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी से। बीटीपी दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में बनी हुई पार्टी है, आदिवासी वोट बैंक को टारगेट करने के लिए। फिर गुजरात से लगते हुए जो राजस्थान के एरिया थे, वहां 2018 में कैंडिडेट उतारे, दो सीटों पर 84 और एक और सीट बीटीपी जीती। उसके बाद में 5 साल के घटनाक्रम के बाद में कुछ मनमुटाव और छोटू भाई वसावा जो गुजरात के नेता थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तमाम वजहों से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजकुमार रोत ने अलग होकर के, पूरी उसी टीम वही है जो भारतीय ट्राइबल पार्टी की टीम थी, उसी के साथ मिलकर के ट्राइबल पार्टी बनाई। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा, फिर एन मौके पर उस कैंडिडेट से नॉमिनेशन वापस लिया, दूसरे ने भरा, फिर दूसरा कैंडिडेट भूमिगत हो गया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो वागड़ के एक बड़े कांग्रेस के नेता थे, वो चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, जो बागीदोरा से विधायक भी थे, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे थे, वो बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव लड़े। ऐसे में अगर राजकुमार रोत, जिनको आखिरी समय में कांग्रेस ने वहां पर समर्थन दिया था, इंडिया अलायंस का पार्ट बन गई थी भारतीय आदिवासी पार्टी, अगर वो वहां पर चुनाव जीतते हैं तो दक्षिणी राजस्थान की पॉलिटिक्स में उनका एक बड़ा राइज होगा। आने वाले समय में 15 से 20 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव होगा, विधानसभा में उनकी धमक बढ़ेगी, उनकी पूछ बढ़ेगी। उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दों पर सरकार गंभीरता से लेगी, और उस एरिया के अंदर भी बीजेपी अपने वोट बैंक, क्योंकि आइडियोलॉजिकली भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा गैप है। ये पिछले अशोक गहलोत सरकार के दौर में भी, वहां पर हमने डूंगरपुर के बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले एरिया में, बांसवाड़ा या डूंगरपुर किसी एक के जिला परिषद के चुनाव में देखने को मिला था, जब भारतीय आदिवासी पार्टी का वहां पर बोर्ड, भारतीय ट्राइबल पार्टी का बोर्ड बन रहा था, तो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के उनको बोर्ड बनाने से रोका था जिला परिषद के अंदर। लिहाजा क्योंकि आइडियोलॉजिकली बहुत बड़ा अंतर है, अगर राजकुमार रोत वहां से चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी के लिए वहां भविष्य में बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और कांग्रेस ने हालांकि गणेश गोगरा समेत तमाम नेताओं के विरोध के बावजूद इस सीट को अलायंस में क्यों दिया है, ये वहां के स्थानीय नेताओं की समझ से परे है, क्योंकि वैचारिक तौर पर बहुत बड़ा दोनों पार्टियों के बीच में अंतर है। और कांग्रेस के खुद के लिए भी भारतीय आदिवासी पार्टी का उभार जो लगातार अपना विस्तार करती जा रही है, वो खतरे की घंटी है। तो पहले नेता है राजकुमार रोत, जो दक्षिणी राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है और ये चुनाव उनका भविष्य तय करेगा। दूसरे नेता नागौर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हनुमान बेनीवाल। 2018 से ठीक पहले 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन होता है, उसके बाद में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, 8 लाख से ज्यादा वोट लाते हैं, 3 विधानसभा की सीटें जीतते हैं, नागौर की दो सीटें, पास में जोधपुर की भोपालगढ़ सीट, पुखराज गर्ग वहां से चुनते हैं, और इन 3 में से एक तो हनुमान बेनीवाल खुद, और 2 सीटें एससी कोटे के एससी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए। लिहाजा ऐसा लगा कि हनुमान बेनीवाल को जाट वोट बैंक के साथ साथ एससी का एक बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर वो किंग मेकर बनकर के उभर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम रहे, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, वो खुद सांसद बने, खींवसर सीट खाली हुई, वहां से अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतार करके विधायक बनाया। समय के साथ में बीजेपी के साथ जब लोकल बॉडी के इलेक्शन होने लगे तो जिन सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार रही है वहीं पर हनुमान बेनीवाल भी अपने उतार रहे हैं, तो ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी को चुप करा करके, बीजेपी का सहयोग लेकर के अपना वोट बैंक, अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। फिर किसान आंदोलन का समय आया तो मनमुटाव की वजह से ये गठबंधन टूटा। ऐसा कहा गया कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले
हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत ने पर्दे के पीछे से कई सीटों पर साठगांठ की, पर कई प्रत्याशियों को हराने को लेकर के प्रत्याशियों का गणित बिठाया गया। ये आरोप मृदा परिवार से जुड़े सारे नेता लगाते हैं, नागौर से जुड़े सारे नेता लगाते हैं, यहां तक कि बाड़मेर में हरीश चौधरी ने तो वोटिंग से 3 दिन पहले बड़ा बयान भी दे दिया था। और ऐसा ही कहा जाता है, यही वजह रही कि हरीश चौधरी बहुत क्लोज मार्जिन से चुनाव हारते हारते जीत गए, क्योंकि आखिरी समय में उन्होंने ये कह दिया कि हनुमान बेनीवाल और आरएलपी अशोक गहलोत की ही प्लांटेड पार्टी है, उन्हीं की प्रायोजित की हुई पार्टी है, और इन तमाम वजहों से और अब हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस का पार्ट बन चुके हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ खुद की सीट बचा पाए थे। इसके अलावा जिन हनुमान बेनीवाल से 2018 में ये उम्मीद की जा रही थी कि 2023 के किंग मेकर वही होंगे, वो हनुमान बेनीवाल अपनी सीट बचा पाए सिर्फ, और वो भी 2000 वोटों के अंतर से। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अहम है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वजूद के लिए और उसके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो ये चुनाव ज्योति मिर्धा समेत पूरे मिर्धा परिवार के राजनीतिक वजूद और राजनीतिक भविष्य के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी उस परिवार के जो कई सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, डेगाना से लेकर के तमाम सीटों पर वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, और इस वजह से ज्योति मिर्धा खुद बीजेपी माने के बाद नागौर शहर से विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। हालांकि उनके सामने उनके परिवार के ही प्रत्याशी थे, लेकिन ये चुनाव परिणाम उनके लिए भी काफी अहम है, मिर्धा परिवार के साथ साथ हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए। तीसरे नेता जिनका पिछले बहुत कम समय में लेकिन बहुत तेजी से उभार हुआ है, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी, जिनका मुकाबला इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा हुआ था उम्मेदाराम बेनीवाल, जो हरीश चौधरी के सामने 2023 में और 2018 में बाड़मेर की 22वीं विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, दोनों बार चुनाव हारे, पब्लिक में एक अच्छी एक्सेप्टेंस थी, सॉफ्ट स्पोकन के तौर पर उनकी इमेज है, एजुकेशन सेक्शन में जो सेक्टर में जो उन्होंने काम किया है उसको लेकर के उनकी एक गुडविल बनी हुई है पब्लिक के बीच में अच्छी। चुनाव से ठीक पहले चूंकि हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, हरीश चौधरी जानते थे कि हनुमान बेनीवाल के गठबंधन के हिस्से ये सीट जाती है तो उम्मीदवार बेनीवाल यहां से प्रत्याशी बनेंगे, और ऐसी स्थितियों के अंदर हरीश चौधरी का होल्ड जो बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में है वो बहुत कमजोर हो सकता है, और यही इन सारी चीजों को देखते हुए हरीश चौधरी ने चुनावों से ठीक पहले उम्मीदवार बेनीवाल को ही साधा, उनको कांग्रेस में लाए, कांग्रेस ज्वाइन कराई और कांग्रेस से उनको टिकट दिलाया, और एक तरह से इलेक्शन का पूरा कैंपेन हरीश चौधरी संभाले हुए थे। दूसरी तरफ बीजेपी से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में थे, हालांकि रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी का जो टारगेटेड वोट बैंक है उसमें अगर जाट वोट बैंक छोड़ दिया जाए तो वो एक ही वोट बैंक है जिस पर हरीश कैलाश चौधरी की भी लड़ाई थी, मूल ओबीसी प्लस जनरल और उसी पर रविंद्र सिंह भाटी की लड़ाई भी थी, लेकिन ये जो चुनाव परिणाम होंगे ये रविंद्र सिंह भाटी के सियासी भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके की मारवाड़ की राजनीति में उनकी घेराबंदी हो रखी है, अगर वो ये चुनाव हारते हैं तो अगले 5 साल वो घेराबंदी में उनको और मजबूती से जकड़ा जाएगा, उनके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चनिंग होगा, ऐसी स्थितियां पैदा की जाएगी जहां पर राजनीतिक तौर पर सर्वाइव करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, और अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो इसी क्षेत्र के कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य और पॉलिटिकल सर्वाइवल का क्वेश्चन होगा, उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के लिए एक चैलेंज और भी है, जो कि शिव विधान, अगर वो सांसद बनते हैं तो फिर शिव विधानसभा में होने वाला बाईपोल, इसमें क्या कुछ गणित बैठ सकती है और क्यों चैलेंजिंग है, इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। तो ये वो 3 नेता थे जो बीजेपी और कांग्रेस से अलग, राजस्थान के 3 नेता जिनके लिए ये लोकसभा के चुनाव परिणाम बेहद अहम होने वाले हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर इसी तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।